अच्छा ये आज हम पढ़ते हैं माइकोलॉजी, ये प्लांट किंगडम का एक इम्पॉर्टेंट भाग है जिसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले इस माइकोलॉजी को समझने के लिए इस टर्म को जानना होगा, जहां ये टर्म ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, ये ग्रीक वर्ड है, जहां माइकस मीन्स होता है मशरूम, और मशरूम से सभी लोग परिचित हैं। आप किसी भी शादी पार्टी में जाते हैं तो मशरूम की सब्जी जरूर खाते होंगे, और मशरूम क्या है, मशरूम फफूंदी है। यानी आज हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, आज हम फफूंदी पढ़ने जा रहे हैं, फंजाई पढ़ने जा रहे हैं। तो माइकस मीन्स होता है मशरूम, मशरूम इट मीन्स द फंगस, और लॉगोस मीन्स होता है स्टडी और द नॉलेज, यानी नॉलेज ऑफ द फंगस, नॉलेज ऑफ द मशरूम इज कॉल्ड माइकोलॉजी। थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी पढ़ लें। फादर ऑफ माइकोलॉजी पूरे वर्ल्ड में, अगर पिता कि कौन सबसे पहले माइकोलॉजी के विषय में बताने वाला था या जिसने स्टडी प्रॉपर की थी माइकोलॉजी की, तो ही वॉज पियर एंटोनियो माइचर। इसी तरह फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, तो इन्हें हम एंटोन डी बेरी कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा माइकोलॉजी पर काम करने वाले, प्लांट पैथोलॉजी पर काम करने वाले कौन से माइकोलॉजिस्ट थे, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहते हैं, तो वो है ई जे बटलर। तो हमको ये तीन नाम अच्छी तरीके से याद करना है यदि हमें माइकोलॉजी पढ़नी है। माइकोलॉजी यानी कि फंगस का अध्ययन करना है। फफूंदी के अध्ययन के पहले, फंजाई के अध्ययन के पहले हम सबसे पहले जानें इनकी बॉडी कैसी, इनकी सेल कैसी होती है। तो हम जानते हैं कि सेल दो प्रकार की होती है। देखिए दो सेल मैं आपके सामने बना रही हूँ, ये दो सेल है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ इधर इसका जेनेटिक मटेरियल ये मैंने बनाया। एट प्रेजेंट बोथ सेल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, आइडेंटिकल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन अब हम इस सेल के चारों ओर एक मेम्ब्रेन बना देते हैं और इस सेल के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ अंदर न्यूक्लियोलस बना देते हैं, और अंदर जो प्लाज्म होता है, प्लाज्मा, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं। इस सेल में हम देख रहे हैं कि केवल क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में इसका जेनेटिक मटेरियल हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ जेनेटिक मटेरियल हाईली प्रोटेक्टेड है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसी सेल को हम कहते हैं, इस प्रकार की सेल को हम कहते हैं जबकि इस प्रकार की सेल को हम कहते हैं तो क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल विच हैज प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा ऐसी कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और ऐसी सेल जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर सिस्टम हो ऐसी सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला जो करैक्टर हुआ फंजाई का, क्या हुआ? जो फंगस होती है इसकी प्लांट बॉडी, इसके अंदर जो सेल पाई जाती है वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल इनमें फंगस में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया, फंगस जो होते हैं ये यूकैरियोट होते हैं। जब हम पूरी प्लांट किंगडम को बांटते हैं तो हम क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में बांटते हैं। फेनरोगैम्स में उन पौधों को रखा जाता है जो फ्लावरिंग, जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है,
और क्रिप्टोगेम्स में ऐसे पौधों को रखा जाता है जो लोअर प्लांट है जिनमें ब्लूमिंग नहीं होती है, और क्रिप्टोगेम्स को जब फिर डिवाइड किया जाता है तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हम बांट देते हैं। थैलोफाइटा को जब हम दो भागों में बांटते हैं तो एक पार्ट कहलाता है फाइकोलॉजी और दूसरा पार्ट कहलाता है माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एल्गी की और माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंगस की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फंगस होते हैं उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, यानी कि एडवांस सेल होती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर सिस्टम जिसके पास होता है, जिसके पास सेलुलर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ऐसी सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं और फंगस में ऐसी ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब अगर इसकी प्लांट बॉडी हम देखें तो जो फंगस होते हैं इनकी बॉडी एक सेल की भी बनी है, देखिए ये हमने बनाया और हमने कह दिया कि ये फंगस है, तो ये कैसा फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है। ऐसे ही हम दूसरा फंगस बनाएंगे तो देखिए कैसे यहां बनाया मैंने, दिस टाइप ऑफ फंगस इट इज कॉल्ड फिलामेंटस फंगस। ये फिलामेंटस फंगस है, यानी फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। जब फंगस मल्टी सेलुलर हो और फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना रहा हो तो इसके ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफा। यहाँ ये यूनिसेलुलर है और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये बना रहा है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब ये बनाता है तो एक सिंपल हाइफा अगर है, ये हाइफा अगर एक सिंपल हाइफा हमने बनाया तो इसे हम क्या कहेंगे, इस फिलामेंटस इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफा कहते हैं। और जब ऐसे ही कई हाइफा हम बना दें जब यहां कई हाइफा का डेवलपमेंट हो जाए ऐसा स्ट्रक्चर तो हम इसे हाइफी बोल देंगे। हाइफा है सिंगल, हाइफी है जब तीन चार या पांच छह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में उलझे हुए हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइफी। और यही जब बहुत ढेर सारे आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाएं एक दूसरे से और एक गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बना ले तो इसे हम कहते हैं माइसेलियम। एक ही चीज है, यहाँ जब सिंगल है तो हाइफा, जब तीन चार की अवस्था में है या थोड़े से हाइफा है तो इन्हें हम हाइफी कहते हैं, और जब बहुत सारे एक साथ हो गए तो इन्हें हम माइसेलियम कहते हैं। इनका हाइफा दो प्रकार का होता है, ये हाइफा इनका दो प्रकार का होता है, आ सेप्टेट और दूसरा होता है सेप्टेट। असेप्टेट होता है और सेप्टेट होता है। असेप्टेट कैसा होता है, जब माइसीलियम या जब हाइफा में क्रॉस वॉल ना पाई जाए या मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ढेर सारे न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाएंगे, यहाँ क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ऐसे हाइफा को हम असेप्टेट कहते हैं। और जबकि इस तरह की हाइफा अगर हो जिसमें क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन हो गया हो, बीच बीच में सेप्टा बन गया हो, डिवाइडिंग लाइन बन गई हो, तो ऐसे हाइफा को हम कहते हैं सेप्टेट हाइफा।
तो यहाँ हमने देखा कि थ्रेड लाइक फॉर्मेशन जब इनका होता है तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं, असेप्टेट और सेप्टेट। असेप्टेट हाइफा सदैव सीनोसिटिक होता है। कैसा होता है? सीनोसिटिक होता है। सीनोसिटिक का क्या मतलब होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी ढेर सारे न्यूक्लियस इसके प्रोटोप्लाज्म में तैरते हुए दिखाई देते हैं। जबकि इस केस में जहां ये सेप्टेट होता है, ये यूनि न्यूक्लिएट भी हो सकता है, बाई न्यूक्लिएट भी हो सकता है। यानी कि इस प्रकार के जो हाइफा हमको दिखाई देंगे, इस प्रकार का जो माइसीलियम दिखाई देगा, ये प्राइमरी माइसीलियम भी के रूप में भी दिखता है और सेकेंडरी माइसीलियम के रूप में भी दिखता है। यानी कि अगर इसके हाइफा को हम बनाएं तो हम पाएंगे कि हर सेल में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं यूनि न्यूक्लिएटेड सेल। और जब सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है तो हर सेल में दो दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये हेटरोकैरियोटिक कंडीशन है, यानी इन दोनों न्यूक्लियस का नेचर अलग अलग होगा। वन न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक मेल, अदर न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक फीमेल। तो यहाँ हम देखते हैं मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है या मोनोकैरियोटिक हाइफा है, इस कंडीशन में हम देख रहे हैं डाइकैरियोटिक हाइफा है। तो ये हमने आपको इसके सेल का स्ट्रक्चर बताया, इसका थैलस बताया कि थैलस इसका कैसा होता है। यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर होता है तो इस कंडीशन में हम एक सिंगल सेल के रूप में देखते हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है, जो यूनिसेलुलर होते हैं वो होलोकार्पिक होते हैं। होलोकार्पिक का मतलब क्या हुआ कि जब एक ही सेल है इनके पास तो वही सेल उनकी वेजिटेटिव सेल होती है और वही सेल इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इंटू रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे आप कहीं पढ़ने जाते हैं बाहर दूर और किसी शहर में आप किसी यूनिवर्सिटी में नाम लिखाते हैं तो कोई कमरा या हॉस्टल आप लेते हैं तो वही हॉस्टल आपका स्टडी रूम है, वही हॉस्टल आपका स्लीपिंग रूम है और वही हॉस्टल अगर आपका कोई मित्र आपसे मिलने आ जाता है तो वो गेस्ट रूम बन जाता है। तो इसी तरह परिस्थिति के अनुसार, चूंकि इसके पास केवल एक सिंगल सेल है, फॉर एग्जाम्पल सिंकाइट्रियम, सिंकाइट्रियम में हम इस कंडीशन को देखते हैं, एक ही सेल है, यही सेल वेजिटेटिव सेल है, लेकिन जब इस सेल ने ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा कर लिया तो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ये रिप्रोडक्शन करेगी। रिप्रोडक्शन के समय दिस सेल इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इंटू रिप्रोडक्टिव सेल। तो जब कोई यूनिसेलुलर सेल वेजिटेटिव सेल कम्प्लीटली रिप्रोडक्टिव सेल में बदल जाए तो ऐसे फंगस को हम होलोकार्पिक कंडीशन या होलोकार्पिक फंगस कहते हैं। और इस केस में क्या है, यहाँ मल्टी सेलुलर बॉडी है तो पूरी बॉडी तो इनकी वेजिटेटिव रहेगी, सम पार्ट ऑफ द थैलस कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव सेल। तो ऐसे फंगस को हम ईयोकार्पिक कहते हैं, यानी उनकी पूरी बॉडी कैसी होगी, वेजिटेटिव होगी, सम पार्ट ऑफ द थैलस में कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव सेल। यानी एक ही समय में हमको उस थैलस पर, उस फंगस पर हमको वेजिटेटिव पार्ट भी दिखता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिखता है। किस केस में? यूकार्पिक केस में। होलोकार्पिक केस में हमको एक ही समय में रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फेज एक साथ दिखाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एक ही सेल में दोनों स्टेज हमको दिखाई देती है, यानी कि कभी वो वेजिटेटिव कंडीशन में होगा और जब रिप्रोडक्शन करना होगा तो टोटली वो रिप्रोडक्टिव सेल के रूप में हो जाता है। ये जो फंगस होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यानी सभी जगह पाए जाते हैं जहां कहीं लाइफ की संभावना होती है। ये पूरे विश्व में अगर हम देखें तो ये कोल्ड कंट्रीज में भी, ट्रॉपिकल कंट्रीज में भी, पानी में भी, जल पर भी, थल पे भी, सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ ये मैं बताना चाहूंगी कि जो
फंगस होते हैं, पाए तो सभी जगह जाते हैं, लेकिन फेवर किस कंडीशन को करते हैं, किस कंडीशन में ये ग्रो करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वार्म हो और ह्यूमिडिटी अधिक हो, यानी टेम्परेचर हाई हो, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक हो, ऐसे समय में फंगस की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एलेक्जोपोलस ने भी यही कहा था इस फंगस को डिस्क्राइब करते समय कि जो फंगस होते हैं ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक क्लोरोफिलस होते हैं और ये असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई या काइटिन की बनी हुई होती है। जो हायर फंगस होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, और जबकि लोअर फंगस जैसे ओओमाइसीट्स को हम ले लें, जिसे हम फाइकोमाइसीट्स भी कहते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है। यानी हम अगर सेल वॉल की स्टडी करें देन वी विल फाइंड कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है? काइटिन एक विशेष प्रकार का पॉलीसैकराइड है, इसे हम एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन कहते हैं काइटिन को। तो काइटिन की बनी हुई सेल वॉल अधिकतर फंगस में पाई जाती है और कुछ फंगस में सेलुलोज की भी पाई जाती है। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ये ग्लाइकोजन होता है, जैसे एनिमल्स का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। लेकिन फंगस के केस में देखिए ये एनिमल से सिमिलरिटी दिखा रहा है, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है, दैट इज द ग्लाइकोजन, जस्ट लाइक द एनिमल्स। इसी के साथ साथ ऑल ड्रॉपलेट्स भी इनके रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में। जनरल करेक्टर में अब हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पर ये फंगस कितने प्रकार के हम देखते हैं इस नेचर में। तो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन अगर हम फंगस की स्टडी करें देन वी विल फाइंड दे आर हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे थैलोफाइटा के अंतर्गत एल्गी है जो ऑटोट्रॉफ है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। लेकिन अगर हम फंगस को देखें तो फंगस ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता क्योंकि एक क्लोरोफिलस है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित होता है, इसीलिए इन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अब इन हेटरोट्रॉप्स को भी अगर हम ऑन द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन पढ़ें तो हम पाते हैं कि फंगस दे मे बी पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड सिम्बियोंट, तीनों कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं। पहले अगर पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट किन्हें हम कहते हैं, पैरासाइट ऐसे फंगस को कहते हैं जो किसी दूसरे पौधे पर अपना जीवन या किसी दूसरे एनिमल पर अपना जीवन निर्भर करते हैं और किसी लिविंग प्लांट या एनिमल पर ग्रो करते हैं। सच फंगस आर कॉल्ड पैरासिटिक फंगस। तो पैरासिटिक फंगस भी हमको दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, पैरासाइट ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये केवल लिविंग टिश्यूज पर ही अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, केवल जीवित केवल किसी पौधे पर या किसी एनिमल पर ही ये सर्वाइव करते हैं, और जैसे होस्ट खत्म हो जाता है जिस पौधे पर ये ग्रो करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी हमें दाग खाद खुजली कोई भी फंगस से इन्फेक्शन हो गया है तो अब हमारी ही सेल को वो खाएगा, हम भी लिविंग और वो भी लिविंग, और वो लिविंग हमारी बॉडी पर ग्रो कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन को पैरासाइट कहते हैं, और ऐसा पैरासिटिक कंडीशन ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। जब वो सेल मर जाती है तो उसी के साथ साथ फंगस भी वहाँ से खत्म हो जाता है, और ऐसे फंगस ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे सिनकाइट्रियम एग्जाम्पल है, ये यूनिसेलुलर होता है, और दूसरा एग्जाम्पल हमने रेसिडियोमाइकोटिना का दिया है पक्सीनिया, ये दोनों
ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। और दूसरा पैरासाइट अगर हम देखें तो फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब होता है, फैकल्टेटिव मीन्स अच्छे, इच्छा है तो हम पैरासाइट बनेंगे। यानी कि इस प्रकार के जो फंगस होते हैं मेनली तो सैप्रोफिटिक होते हैं, लेकिन अगर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जहाँ ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी हो गई है, अगर खत्म हो गया है वहाँ न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, तब ये अपना मोड चेंज कर देते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर आ जाते हैं, यानी पौधों पर अटैक कर देते हैं और पौधों में रोग लगा देते हैं, जैसे पाइथियम डिबेरियना, ये एक फंगस है, ये सॉइल बॉर्न फंगस है, सॉइल में पाया जाता है लेकिन, और सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट को डिग्रेड करता रहता है। जब ऑर्गेनिक कंटेंट आसपास इसको नहीं मिलता है तब ये पैरासिटिक हो जाता है। तो ऐसा फंगस जो मेनली सैप्रोफिटिक हो लेकिन न्यूट्रिशन की कमी अगर वहाँ पे हो गई है सॉइल में, तो ये पैरासिटिक हो जाते हैं, प्लांट के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे फंगस को हम फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। अब यहाँ हम देखें सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट आर दोज फंगस विच ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म। जो भी मरी हुई चीज है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, यानी डीकम्पोजिशन का काम यही फंगस करते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, सॉरी ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। यहाँ हम देखें ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट ऐसे फंगस को हम कहेंगे जो कम्प्लीटली सैप्रोफाइट है, यानी जब भी वो ग्रो करेंगे वो मरे हुए एनिमल पर ग्रो करेंगे और मरे हुए प्लांट पर ग्रो करेंगे, या एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो वेस्ट मटेरियल एनिमल की बॉडी से निकला है उस पर ग्रो करेंगे। जब जैसे गोबर पर, डंग पर ग्रो करते हैं फंगस, तो उन्हें हम कैप्रोफिलस फंगस भी कह देते हैं। तो ये सभी फंगस कैसे हैं, जैसे हमारी रोटी पर, ब्रेड पर आपने देखा होगा, कोई भी सामान खाने पीने का यदि आप रख देते हैं, अचार पर आप देखिए ऊपर सफ़ेद रंग का या ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का डिपोजिशन हो जाता है। अगर अचार हमारा ख़राब हो रहा है, जेली भी हमारी ख़राब हो जाती है, या ब्रेड गर्मी के दिनों में, बरसाती दिनों में आप रख दीजिए तो ब्रेड पे भी फफूंदी लग जाती है। नींबू पे आपने देखा होगा, नींबू पे भी फफूंदी लग जाती है। तो ऐसे फंगस क्या कहलाएंगे, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, यानी जब भी ग्रो करेंगे ये मरी हुई चीज़ों पर ग्रो करेंगे और वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं। जबकि फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट ऐसे फंगस को कहते हैं, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट यानी फैकल्टेटिव मीन्स एक्शन और सैप्रोफाइट मीन्स मरी हुई चीज़ों को, यानी जब इच्छा होगी इनकी तब ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट के रूप में काम करेंगे। यानी कि ये वास्तविक रूप में कैसे होते हैं, ये होते हैं पैरासाइट, लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पर ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे, जैसे अस्टिलोगो है या फाइटोप्थोरा है जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, और ये अस्टिलोगो स्मट डिजीज कॉज करते हैं हमारे जो अनाज होते हैं जैसे गेहूँ है, जौ है, इन सब पर लूज स्मट नाम की डिजीज को कॉज करते हैं। तो जब वो पौधा ख़त्म हो जाता है तो पौधा के मरते ही ये फिर वही जमीन में गिर पड़ते हैं इनके स्पोर्स, और फिर वहाँ जर्मिनेट करके ये सैप्रोफिटिक कंडीशन में अपने लाइफ को कंप्लीट करते हैं और सैप्रोफाइट के रूप में न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। और इस समय ये जब सैप्रोफाइट हो जाते हैं तो जो कूड़ा करकट खेत में पड़ा होता है उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं, यानी डीकम्पोजिशन में बहुत बड़ा रोल इनका हो जाता है। और डीकम्पोजिशन में ये फंगस किस तरह से उसको डिग्रेड करते हैं, तो इनकी बॉडी से इंजाइम सिक्रीट होता है, जो इंजाइम कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैक्राइड्स को, प्रोटीन्स को, यानी कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिग्निन को, सब को डिग्रेड करके छोटे छोटे उसके मोनोमर में बदल देते हैं। और फिर जब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जब सिंपलर वन में बदल जाता है तब उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
तो यहाँ हमने आपको बताया सैक्रोफाइट्स आर टू टाइप, ऑब्लिगेट सैक्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव सैक्रोफाइट। यहाँ तीसरा जो फंगस है वो सिम्बियंट के रूप में दिखाई दे रहा है। सिम्बियंट हम किसे कहेंगे? ऐसे फंगस जो एल्गी के साथ कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सपोज मेरा एक हाथ एल्गल कंपोनेंट है और दूसरा हाथ फंगल कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में अगर मिल गए और एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे देते हैं तो ऐसे फंगस को हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन्स आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज द एल्गल कंपोनेंट, अदर इज द फंगल कंपोनेंट, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। इनके दोनों के बीच में क्या है? म्यूचुअलिज्म है। कैसा म्यूचुअलिज्म है? सिम्बियोसिस टाइप का है, यानी दिस एसोसिएशन इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द ऑर्गेनिज्म। एल्गल कंपोनेंट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन व्हाइल द फंगल कंपोनेंट प्रोवाइड द मॉइस्चर प्रोटेक्शन टू द एल्गल कंपोनेंट। तो यहाँ लाइकेन के रूप में हम ये सिम्बियंट कंडीशन को देखते हैं, सिम्बियोसिस को देखते हैं। तो इस तरह हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर फंगस को तीन भागों में बांट देते हैं, पैरासाइट, सैक्रोफाइट और सिम्बियंट। अब अगर इसके रिप्रोडक्शन पर हम जाएं तो रिप्रोडक्शन फंगस में तीन प्रकार से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो जाता है या बर्डिंग जैसे ईस्ट में दिखाई देता है। स्पोर्स का फॉर्मेशन, ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे जू स्पोर बनाते हैं या प्लानो स्पोर बनाते हैं और क्लेमाइडो स्पोर्स बनाते हैं। ये कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका तीन फेजेस से गुजरता है। फर्स्ट फेज को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। जब दो सेल का प्लाज्मा आपस में मिलता है तो फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। जो लोअर फंगस हैं उनमें तो दोनों का प्लाज्मा मिलते ही तुरंत कैरियोगैमी हो जाती है, लेकिन जो हायर फंगस होते हैं जैसे बेसिडियोमाइकोटिना और एस्कोमाइकोटिना, ऐसे फंगस में प्लाज्मोगैमी के बहुत देर बाद कैरियोगैमी आती है। तो पहले दो सेल आपस में मिल गए रिप्रोडक्टिव सेल, गैमीट, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे, मिल करके दोनों का प्लाज्मा एक में मिल जाएगा जिसे प्लाज्मोगैमी कहेंगे। अब ऐसी सेल में जब जैसे एक सेल ये है एक सेल ये है, यहाँ इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस दोनों आपस में मान लीजिए देखिए फ्यूज हो गए, तो अब दोनों का प्लाज्मा यहाँ मिल गया और दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है। अब इसकी कंडीशन हमको यहाँ दिखाई देती है डाइकैरियोटिक के रूप में, यानी एक ही सेल में दो न्यूक्लियस यहाँ पर दिख रहे हैं। ये डाइकैरियोटिक कंडीशन हुआ, दो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, यहाँ मोनोकैरियोटिक कंडीशन है। तो इस फेज को कहते हैं हम प्लाज्मोगैमी। और जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फेज हो फ्यूज हो जाए, दोनों आपस में एक में मिल जाए, तो इसे हम कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी यहां हो रही है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में प्लाज्मा फ्यूज हो रहा है, कैरियोगैमी में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। तो पहली स्टेप ये हुई, दूसरी स्टेप ये हुई और तीसरी स्टेप होती है रिडक्शन, डिवीजन या मियोसिस। अब इस सेल में मियोसिस होगी, मियोसिस से पुनः इससे जो नई सेल बनेगी वो कैसी होगी? इसमें चार न्यूक्लियस बन जाएंगे क्योंकि मियोसिस से चार डॉटर सेल बनती हैं। तो चार डॉटर सेल मान लिया ये बन गई चार डॉटर सेल, और सभी की सभी सेल कैसी हो जाएंगी? हैप्लॉयड हो जाएंगी। यानी कि हम फंगस के केस में देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत तीन स्टेप आता है, पहला है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी और तीसरा है मियोसिस। इस तरह आपने जाना जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फंगस।